प्यारे दर्शक मित्रों, मैं रामदास बापू गिरनारी, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह आज मैं आपको एक और अनोखे दर्शन करवाने ले जा रहा हूँ। आज हम आपको एक ऐसे हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। आपने बहुत हनुमान जी के बारे में सुना, गांव-गांव में, पूरे भारत गुजरात में इनके मंदिर है, पर अहमदाबाद में सिविल कैंपस जो है, सिविल हॉस्पिटल, उसके पीछे जो मेघाणी नगर लगता है, तो वहाँ जो पुराना सचिवालय था, वहाँ वो कैंपस में एक ऐसे हनुमान जी की जगह है। आप देख सकते हैं एड्रेस, उसको मैरिज हनुमान, इसलिए कि लगनिया हनुमान बोलते हैं। यहाँ जिसकी शादी नहीं होती है वो यहाँ मन्नत मानते हैं, ऐसे कपल यहाँ आते हैं, लड़का लड़कियाँ, और यहाँ हनुमान जी को यहाँ साधना दुआ करते हैं तो यहाँ उनकी शादी हो जाती है। और यहाँ इतना रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ हनुमान जी के सामने लग्न हुए हैं, इसलिए इसको लगनिया हनुमान बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है, और मैं धीरे धीरे ये हनुमान जी में आपको आगे ले जाता हूँ। ये आश्रम है पूरा यहाँ, और यहाँ के जो महंत है उसका नाम है वैलेंटाइन बाबा, उनके भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। आप देख सकते हैं ये लगनिया हनुमान, यहाँ मैरिज होते हैं। देखो, आप देख सकते हैं, प्रेम थी लग्न करो। गुजरातना डीजीपी लोमेंट माटे आदर राखवा, निराश नहीं थवू पड़े। आप देख सकते हो यहाँ शादी होती है, और ये है हवन। यहाँ जिसका मतलब वो नहीं होता है शादी, वो यहाँ हवन करवाते हैं बाबा जी। आप देख सकते हैं ये लग्न हनुमान, यहाँ शादी की मन्नत मांगी जाती है, लगन यहाँ होते हैं। आप देख सकते हैं, ये हनुमान जी महाराज, लगनिया हनुमान। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। अब मैं आपको यहाँ के जो पुजारी है, महंत है, उनका इंटरव्यू कराऊंगा, और इसका महत्व क्या है ये मैं समझाऊंगा। धीरे 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 मैं अब यहाँ के महंत उनको मैं आप ये लगनिया बाबा के यहाँ के महंत आप देख सकते हैं। आपको मैंने पूरे हनुमान जी का स्टोरी बताया, ये बहुत ही सिद्ध माना जाता है, और उनके पूरे भारत में इनकी कीर्ति फैली, यहाँ बहुत लोग आते हैं, यहाँ के इनके महंत। बापू, आपनु नाम? महंत श्री हीराबाई जगू जी। आप यहाँ बरसों से पूजा करते हैं? बरसों से मंदिर का अखा नया रिनोवेशन करके इसको बहुत विकास किया है, यहाँ लोग शादियाँ करने आती है। अच्छा बापू, हमने सुना है कि हनुमान जी जिसकी शादी विवाह नहीं होती है वो यहाँ मन्नत मानते हैं, तो क्या ये मन्नत यहाँ पूरी हो जाती है? पूरी हो जाती है, और सुखी उनका परिवार भी सुखा रहता है, वो कायम के सुखी होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती ना। 95% वो लोग सुखी, जिनके मन में कपट नहीं होना चाहिए वो सभी सुखी। अभी सब दर्शन करने आस्था से आते हैं, बच्चे के बाप हो जाने के बाद उनके बच्चों के लिए दर्शनार्थी आते हैं, बाहर गांव से आते हैं, हमारा इसकी बाधाएं रखते हैं, बाधा रख के उसकी संपूर्ण होती तो दर्शन करने आते हैं। तो ये हनुमान जी का नाम लगनिया हनुमान ही हो गया है। विश्व में कहीं हनुमान जी के शादी नहीं होता है, मगर हमारा ऐसा उसका प्रचार है। हनुमान जी किसी से मांगते नहीं, सेवा और त्याग की भावना वाले, तो हम ये मैसेज लोगों जो शादी करते उसमें देते है कि भाई तुम्हारे कुटुंब में सेवा और त्याग की भावना रखे तो कुटुंब कभी टूटने वाला अच्छा, नहीं है। एक प्रश्न और है कि जिनकी शादी हो जाती है, मानो कि हनुमान जी की कृपा है, तो वो बाद में शादी के बाद यहाँ आते हैं क्या? सब आते हैं, बच्चे के कई कई 15 साल के दर्शन करने आते हैं, दूसरे को भी उनको भेजते हैं कि भूलते नहीं हनुमान जी को, नहीं भूलते, जन्म तक उनका विकास भी होता है और अच्छे सुखी। अच्छा, मैंने एक बार और सुनी है यहाँ के बारे में कि वैलेंटाइन के दिन यहाँ बहुत लोग आते हैं, भाविक भक्त, मीडिया, और आपका नाम भी लोगों ने प्यार से वैलेंटाइन बाबा कर दिया है, तो इसके बारे में कुछ? वैलेंटाइन क्या है? वैलेंटाइन बाबा साधु संत हो गए, वो प्रेमी, ये शादी क्या है, प्रेमी सबसे एक भक्ति का नाम है। जी जी, प्रेम बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति का एक प्रकार है ये। शादी में एक दूसरे के प्रति व्यवहार आकर्षण होता है ना, ये भक्ति, उसमें लोग त्याग करके आते हैं, भक्ति का प्रकार है। जी जी जी, घर छोड़ के जाना, उस दूसरे एक समर्पित होना, ये सब भक्ति का प्रकार है।
तो इसी तरह लोग यहाँ आते हैं तो उनको हिंदू संस्कार से जोड़ के रजिस्टर करके उनका पूरा गवर्नमेंट का और हमारा विधि का सर्टिफिकेट दे के उनको मुक्त कर सेफ्टी दे देते। लोग उनके पीछे कई पुलिस वाले पक्का पक्का आप पक्का करके देते जिससे पुलिस उसको मदद करती है और कम खर्चे में हो जाता है तो बच्चे लोग उनको उनका व्यवहार भी कम मतलब वो कायदेसर करके देने का रजिस्टर करके और उनका उम्र का दाखला बाखला दे के लीगल के मुताबिक करके देते हैं। जी बापू, अब लास्ट में मैं पूछूंगा, हमारी जो ये रामदास बापू गिरनारी चैनल है उसके दर्शक बहुत ही है तो उनको आप कोई मैसेज देना चाहते यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आवे? भाई ये हनुमान जी का दर्शन है ने उसका जो त्याग कोई भी आ सकता है, भाव करने का ना हो कोई भी काम हो मेरे लायक फ्री सेवा है, कोई दिक्कत है मानसिक सामाजिक तांत्रिक तो उसके लिए फ्री सर्विस मैं कर देता हूँ, कोई चार्ज नहीं है मेरा। जी जी जी, उसके लिए आप मेरा संकल्प कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, आपकी कोई जो भी तकलीफ है हम हमारे यथाशक्ति दूर कर सकते हैं, ये दादा का हनुमान का पर्चा है। जी जी, प्यारे दर्शक मित्रों, बापू का एड्रेस यहाँ मैंने पूरा डाला हुआ। अब मैं आपको लास्ट में यहाँ के जो दर्शक यहाँ जो यात्री आए हैं कुछ उनमें से एक यात्री से मैं बात कर रहा हूँ। आपका नाम? हमारा नाम है अजीत भाई। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भाटोड़िया रहने वाले हैं। हाँ, मतलब अहमदाबाद में ही रहते हैं। अच्छा, तो आप ये हनुमान जी के बारे में मतलब कैसे यहाँ दर्शन करने आए? सुना था किसी ने बताया? थोड़े टाइम पहले सुना था मगर पता नहीं था, अभी आज जो ढूंढ के वो जो अच्छा सुप्रचित हनुमान जी महाराज के उसको दर्शन लगनी हनुमान उसको लगनी हनुमान बोलते हैं। अच्छा, तो दर्शन करके अपने पता चला तो जगह बहुत अच्छी है और सब लोग आते हैं। कैसा लगा यहाँ के बापू से मिलके हनुमान जी के दर्शन करके? ओ अच्छा, आपको जो ऐसा पहले पता नहीं था ऐसा है पर अभी वो दर्शन करके पता चला है कि ना अच्छा है। बापू का स्वभाव कैसा है? बापू का स्वभाव भी अच्छा है, सब काम के लिए वो बोलता है कभी भी आओ, कोई टाइम नहीं है गम्मे। अच्छा अच्छा, और ये सिविल कैंपस की यहाँ जगह भी अच्छी लग रही, कैसा लगा जगह देख? जगह बहुत अच्छी है, अभी एक बार जो आएगा सब कोई तो सब दूसरी बार तो बिना बोले के यहाँ आता है दर्शन करने के लिए। ठीक है अजीत भाई, धन्यवाद, आज आपको मिलकर हमारे दर्शक आपको भी देखेंगे। तो दर्शक मित्रों, यहाँ कुछ और यात्री भी आए, इनसे भी एक बात कर लेते टूक में। आपका नाम भाई? मुकेश भाई। अच्छा मुकेश भाई, कहाँ के रहने वाले? मैं अहमदाबाद का रहने वाला। अच्छा, तो ये लगनिया हनुमान का मतलब आप सेवा करते कि आए हैं? सब कागज वगैरह हमें बनाना पड़ता है, सबका डॉक्यूमेंट चेक करके। अच्छा, यहाँ जो शादी होती है वो पक्का करके आप देते हैं? फोटोग्राफर का काम करता। अच्छा, हमने तो हजारों लाखों हनुमान जी के मंदिर भारत में गुजरात में देखे है, दर्शन किए है, लेकिन आज हमको भी अच्छा लगा कि यहाँ मतलब हनुमान जी शादी विवाह की बाधा पूरा करते, दो आत्मा जीवों को मिलाती है और आप में इसमें निमित भागीदार बन रहे, तो कैसा लगता है ऐसी अच्छा सेवा का काम? लगता है कि दो जीवों को अच्छा दोनों को साथ में रखे तो अच्छा लगे। बापू के साथ आप जुड़े हुए हैं? अच्छा, है। अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद मुकेश भाई, अच्छा लगा बात। तो दर्शक मित्रों, ये आपको मैंने पूरा यहाँ का एड्रेस पहले ही बताया हुआ है, तो ये लगनिया हनुमान, मेरी आपसे एक अनुरोध है, कभी भी आपको इच्छा हो तो यहाँ आप सिविल कैंपस अहमदाबाद मेघाणी नगर आप दर्शन करने ज़रूर आना और लगनिया हनुमान में आप अपनी मन्नत मानता रख सकते हैं और दादा ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सबको जय गिरनारी।